सोमवार को मुस्लिम समाज द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुभागीय अधिकारी कुरवाई को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि दो दिन पूर्व राजस्व विभाग द्वारा सीएम राइज स्कूल के लिए भूमि की नप्ती शाही कब्रिस्तान कमेटी को बगैर सूचना दिए कराई गई है, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और आगे बताया गया। यहां नवाब के 400 वर्ष पूर्व से वंशज एवं अन्य मुस्लिम समाज के बुजुर्ग दफन हैं एवं मुस्लिम समाज द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 2000 में नगर परिषद द्वारा राशि आवंटित कर इस कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करवाई गई थी और राजस्व विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि के नंबरों को हेर फेर किया गया और शासन से मांग की गई कि इस तरह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध किया गया। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। शाही कब्रस्तान की नप्ती के मामले में आज कुरवाई मुस्लिम कमेटी द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम समाज द्वारा एक ज्ञापन अनुभाग अधिकारी को दिया गया है। वो विवाद दरअसल ये है कि सीएम राइज स्कूल का यहाँ बनना है तो जिसके लिए यहाँ पर उनकी सरकारी ज़मीन का वो ऐसा कह रहा है निकल रही है 1.5 बीघा के समथिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 2000 की बात है। ये रघुवीर सिंह राजस्व राज मंत्री थे, नगर परिषद द्वारा पैसे राशि आवंटित कर बाउंड्री वॉल कराई गई थी। अब ये विवाद तो उत्पन्न होता ही नहीं है कहीं से भी। और चूंकि 2005 की बात है, मेरी दादी की भी कब्र है यहाँ पर और बुजुर्गों की भी कब्र है, लगभग ये 400 वर्ष पुराना कब्रस्तान है तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि शासन की। अब कुछ बड़ी कब्रें इधर पीछे नजर आ रही हैं, ये काफी टाइम पुरानी लगती हैं कि हाँ, आप बता सकते हैं ये कितनी पुरानी होंगी? कम से कम 400 200 300 साल पुरानी सारी कब्र है मौजूद है। मतलब काफी पुराना कब्रस्तान है। बिल्कुल जी हाँ, ये हमारे पूर्वजों का यहाँ पर दफन है पूर्वज और बहुत पुराना है, लगभग 400 वर्ष पुराना कब्रस्तान है। तो ये शाही कब्रस्तान किस उससे कहलाता है? यहाँ ये कुछ ऐसा ज्ञात नवाब के परिवार के लोग भी यहाँ पर दफन है, इसलिए शाही कब्रस्तान ही कहलाता है। मतलब नवाबी टाइम का ये कब्रस्तान? हाँ, नवाबी रियासत थी, नवाब थे यहाँ, नवाब के भी परिवार के वंशज यहाँ दफन है, इसलिए ये शाही कब्रस्तान कहलाता है। बस। आज मुस्लिम समाज कुरवाई का एकत्रित हुआ तहसील कार्यालय में अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए, किस संबंध में? ये जो ज्ञापन दिया गया ये शाही कब्रिस्तान में विगत 2 दिन पूर्व राजा साहब अबले और सीएम राय स्कूल के प्राचार्य द्वारा बिना किसी सूचना के नप्ती कराई गई थी और कब्रिस्तान के अंदर वहाँ पर लाइनिंग कर दी गई है बिना किसी जानकारी के। तो जैसा कि विदित होगी लगभग 20 वर्ष पूर्व उसकी नप्ती हुई थी और सीमांकन के बाद वहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई गई थी और अभी जो सीमांकन हुआ है वो कब्रिस्तान के अंदर हुआ। कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी कब्रें जो हैं कि उस नप्ती में आ रही हैं, इसी के लिए हम लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पुनः नप्ती करा। राजस्व विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, कब्रिस्तान के जो जिम्मेदार व्यक्ति उन लोगों को कोई भी सूचना नहीं दी, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं जो नप्ती पूर्व में हुई थी वो यथावत रहे या दोबारा से नप्ती कराकर सही तरीके से सीमांकन किया जाए, जो कब्रिस्तान है वो अपनी यथास्थिति में रहे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आदेश है कि जो भी कब्रिस्तान है, जो भी मदार हैं, उन्हें संरक्षित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। इसलिए निवेदन है राजस्व की हमारी जो कब्रिस्तान है उन्हें संरक्षित किया जाए और नप्ती सही तरीके से। ये कब्रिस्तान कितने वर्ष पूर्व से है? 400 साल पुरानी कब्रें हैं, नवाबी शासन काल से पुराने की कब्रें हैं वहाँ पर और नवाबों द्वारा कुरवाई, जैसा कि सभी लोगों को याद है कि एक रियासत थी यहाँ पर नवाब साहब द्वारा सभी कब्रिस्तानों को मरघटों को जमीन दी गई थी, वो यही जमीन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।